नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल विलेज कुकिंग अंकल में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सरसों वाला प्यासी मछली, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। ऐसी मछली आज हम बैंगन मिलाकर बनाएंगे बंगाली स्टाइल में, बिल्कुल आसान तरीका से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, मछली में डालने के लिए सबसे पहले हम मसाला पीस लेते हैं। प्यासी मछली में डालने के लिए हम मसाला ले लिए, भूखा हुआ मसाला डालेंगे। यहाँ पर ले लिए लहसुन एक जवा, जीरा और काली मिर्च और सरसों। चलिए, अब मसाला हम पीस लेते हैं। इतना मसाला ही हम पीस लेंगे मछली में डालने के लिए, बाकी हम भूखा हुआ मसाला डालेंगे। तो चलिए, फटाफट से अब मसाला हम पीस लेते हैं। और सरसों डालने से प्यासी मछली काफ़ी टेस्टी होता है। और मसाला को हम पूरा में ही पीस लेंगे। मछली में डालने के लिए हम मसाला पीस लिए और मसाला अब उठा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम ले लिए प्यासी मछली, जो कि कटा हुआ है, कटना नहीं है मछली, प्यासी। और मछली अब हम धो लेते हैं। फिर हम अच्छे से धो लेंगे दो पानी। प्यासी मछली में काफ़ी, यानी फ्राई करने में बहुत ज़्यादा कहे तो कम तेल लगता है। और प्यासी मछली हम अच्छे से सभी धो लेंगे, दो तीन पानी अच्छे से धो लेंगे मछली। देखिए, हम मछली धो लिए, एक पानी और मछली धो लेंगे अच्छे से। मछली हम अच्छे से दो तीन पानी धो लिए। और प्यासी मछली में बहुत ज़्यादा कहे तो तेल होता है। प्यासी मछली में हम आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिए और आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मछली हम फ्राई करेंगे। आज हम प्यासी मछली यानी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बैंगन मिलाकर। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहिएगा। और हल्दी और नमक हम अच्छे से सभी मछली में मिक्स कर लेंगे। देखिए, मछली में हम हल्दी अच्छे से मिला लिया और नमक भी, और तेल गरम हो गया। कढ़ाई में हम तेल डाल दिए मछली फ्राई करने के लिए। और मछली हम डाल देते हैं एक एक करके। मछली डाल के अच्छे से हम तेल में फ्राई करेंगे मछली। एक एक करके हम मछली डाल दिए और तीन चार मछली डाल दिया। मछली अब फ्राई कर लेंगे, उसके बाद बाकी मछली भी डालकर फ्राई करेंगे। मछली देखिए डाल दिए। और मछली में से कहे तो प्यासी मछली है, बहुत ज़्यादा यानी तेल छोड़ता है। तो मछली अब भून लेंगे अच्छे से। देखिए, मछली अब हम एक साइड फ्राई कर लिए और मछली अब पलट लेंगे। और प्यासी मछली फ्राई करने में बहुत ज़्यादा कहे तो उड़ता है तेल। मछली अब हम पलट लेते हैं। देखिए, सभी मछली हम पलट लिए। अब अच्छे से मछली हम लाल कर लेंगे और लाल भुना जाएगा दोनों तरफ, तब हम मछली निकालेंगे। देखिए, मछली हम अच्छे से फ्राई कर लिए और मछली में का तेल गार कर हम अच्छे से और मछली निकाल लेंगे। और प्यासी मछली भून लिए और देखिए कितना मस्त मछली लाल हुआ है और तेल बहुत ज़्यादा अभी मछली में है। और देखिए, हम सभी मछली निकाल लिए, बाकी मछली भी अब डाल देते हैं तेल में और अच्छे से तलेंगे। और अब तेल नहीं डालना है, इसी तेल में हम मछली फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल है। देखिए, सारे मछली हम डाल दिए, अब अच्छे से भूनेंगे मछली। देखिए, एक हम बैंगन ले लिया और बैंगन मिलाकर बनाएंगे। बैंगन हम काट लेते हैं, बैंगन हम पतला पतला काट लेंगे। एक बैंगन ही डालेंगे और एक बैंगन में तीन भाग कर लेंगे। देखिए, तीन भाग काट लिया और बैंगन भी डालेंगे। और बैंगन डालने से प्यासी मछली काफ़ी टेस्टी होता है। बैंगन को अब हम धो लेंगे। देखिए, बैंगन को हम अच्छे से धो लिए। देखिए, हम सारे मछली भून लिए और निकाल लिए। बैंगन में थोड़ा सा हम हल्दी मिला लेते हैं और बैंगन भी अब फ्राई कर लेंगे तेल में। बैंगन डाल देते हैं, बैंगन डाल दिया और बैंगन को भी अलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बैंगन फ्राई करके डाला जाता है तो काफ़ी टेस्टी लगता है मछली खाने में। और देखिए, बैंगन भी अच्छे से अब फ्राई कर लेंगे। बैंगन हम अच्छे से फ्राई कर लिए दोनों साइड अलट पलट कर। अब बैंगन भी फ्राई हो गया, बैंगन अब हम निकाल लेते हैं और तेल नहीं डाले। प्यासी मछली में बहुत ज़्यादा तेल होता है। तो देखिए, तेल है, अब तेल में हम डाल देते हैं एक प्याज कटा हुआ, प्याज का फोरन डाले हैं। प्याज को अब अच्छे से लाल करेंगे। देखिए, प्याज हल्का लाल होने लगा। और प्यासी मछली कितने लोग खाना पसंद करते हैं आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और देखिए, प्याज को अब अच्छे से लाल करेंगे। देखिए, प्याज को हम अच्छे से लाल कर लिए और जो मसाला हम पीसे थे
सरसों लहसुन काली मिर्च और जीरा पाउडर डाल दिए और बाकी मसाला हम बुरा मसाला हम डाल देते हैं मछली में और मसाला को एक ही साथ अच्छे से भूनेंगे। कलर के लिए हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए तीखा अनुसार एक चम्मच, और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे यानी दो चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल दिए, और धनिया पाउडर डाल देंगे दो चम्मच के करीब। सभी मसाला हम डाल दिए, अब मसाला को अच्छे से मिला लेंगे। आपको जितना तीखा खाना हो आप अपने हिसाब से मछली में यानी मसाला डाल सकते हैं लाल मिर्च। और देखिए सभी मसाला हम डाल दिए, अब अच्छे से भूनेंगे। मसाला में हम थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे पानी, और पानी डाल दिया और मसाला को अब हम अच्छे से भूनेंगे और मिला लेते हैं अच्छे से। देखिए मसाला हम अच्छे से भून लिए और मसाला में से तेल छोड़ दिया यानी मसाला अच्छे से भून कर तैयार हो गया। अब मसाला में अब हम पानी डाल देते हैं, आपको जितना ग्रेवी बनाना हो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और देखिए हम पानी डाल दिए, थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और बैंगन और मछली हम बाद में डालेंगे यानी मसाला में जब उबाल आ जाएगा तब। और चलिए अब हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, नमक हम नहीं डाले थे अब नमक डाल देंगे। देखिए नमक हम डाल दिए स्वाद अनुसार ग्रेवी में, और नमक को भी अच्छे से अब मिला लेंगे। देखिए मसाला में अच्छे से उबाल आ गया, प्यासी मछली जो हम भून कर रखे हैं मछली डाल देते हैं मसाला में और अच्छे से पकाएंगे। और बैंगन थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे, पहले मछली डालकर पका लेंगे तब बैंगन डालेंगे। और देखिए सभी मछली हम डाल देते हैं रासा में। और देखिए मछली का जो हम मसाला बनाए हैं यानी ग्रेवी का है तो बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है, और मसाला भूज देने से कलर बहुत अच्छा आता है। बाकी हम सभी मछली डाल दिए, अब अच्छे से रासा में डुबा लेते हैं। और मछली को अब हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं, उसके बाद उघाड़ेंगे तब बैंगन डालेंगे। अब ढककर मछली पकाएंगे। मछली अब हम चेक कर लेते हैं, मछली अब पकने लगा, इसी में बैंगन डाल देते हैं। अब बैंगन हम सबसे लास्ट में डालें क्योंकि बैंगन जल्दी ही पक जाता है या निगल जाता है इसलिए। और देखिए मसाला में बैंगन डाल दिया, अब अच्छे से मिला लेते हैं। रासा में अब बैंगन हम डुबा लेंगे ताकि बैंगन में भी अच्छे से मसाला और नमक मिल जाए। अच्छे से मिला लिया, मछली में डाल देते हैं। एक टमाटर काट लिए हैं, टमाटर डालने से मछली में खट्टापन स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए हम टमाटर डाल दिए, अब मछली ढक देते हैं और थोड़ा सा और मछली पका लेंगे, उसके बाद हम उतारेंगे यानी रास्ता जब ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा तब। देखिए मछली हम बना लिए और मछली का ग्रेवी भी अच्छे से यानी कहे तो गाढ़ा हो गया और मछली भी बनकर तैयार हो गया। चलिए मछली अब हम उतार लेते हैं, और बैंगन भी अच्छे से पक चुका है और मछली अब हम उतार लेते हैं। आज हम बनाए सरसों वाला प्यासी मछली जो कि खाने में बहुत ही अच्छा यानी कहे तो टेस्टी लगता है। और देखिए मछली में कितना मस्त कलर आया हुआ है और मछली बनकर तैयार हो गया। तो देखिए दोस्तों यानी मछली बनकर फाइनली तैयार हो चुका है, और आज ये आप लोग मछली खाने के लिए देखिए मछली कढ़ा गया है, ये बैगन और पीस है। आज आप लोग तो आइए हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना हुआ है। बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों। आइए बैगन देखते हैं कि बैगन कैसा लग रहा है। ये बैगन भी काफी मस्त लग रहा है। तो दोस्तों ऑल ओवर का है तो मछली और बैगन दोनों टेस्टी हुआ है, बैगन मछली से ज्यादा टेस्ट लग रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरे दोस्त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।